अध्यक्ष जी को और जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और मेरे मीडिया के सभी परिवार के मित्रों को नमस्कार करना चाहता हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, महत्वपूर्ण दिवस केवल भारत सरकार के लिए, लेकिन मैं मानता हूं कि महत्वपूर्ण दिवस भारत के इतिहास के। जब देखा जाता है कि किसी भी देश का पथ, आकार और दिशा बनाने में कई सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन पिछले 9 वर्षों में जो ऐतिहासिक प्रगति, ऐतिहासिक परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत की समस्त जनता के आशीर्वाद, भारत की समस्त जनता साथ को लेकर संभव हो पाए, उस पर आज मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेवा की सरकार, सुशासन की सरकार और गरीब कल्याण की सरकार, ये हमारे मूल मंत्र केवल नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से सरकार का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्प, और उसी संकल्प के साथ जब गरीब कल्याण और गरीब सशक्तिकरण के विषय को लेकर सरकार आगे चल रही है, तो अगर हम देखें कि जो पीड़ितों और वंचितों अधिकार देने का एक क्रांति और एक जंग प्रधानमंत्री जी के द्वारा छेड़ा गया है, इस विषय के साथ कि जब हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, और जब सबका साथ हो सबका विकास हो, उसी उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत का विकास हो। पिछले 68 वर्षों में भारत की आजादी के समय से जो स्थिति उत्पन्न हो पाई, उस पर अगर हम विश्लेषण करें तो आश्चर्यजनक स्थिति उत्पन्न हो पाई। भारत ने पूर्व में भी विश्व का नेतृत्व किया, 1820 जब पूरे विश्व की घरेलू में आर्थिक प्रगति 6.1% के आधार पर बढ़ गई, जो आज विश्व में एक नया कीर्तिमान, सबसे विकसित प्रगतिशील देश के रूप में आज भारत बन रहा है, सबसे बड़ी आबादी का देश, सबसे नौजवान देश, 140 करोड़ की आबादी, 70% देश की जनता 35 वर्ष की आयु के नीचे, मतलब 90 करोड़ लोग, मानव संसाधन की शक्ति आज भारत की आप देखें, अमेरिका की 3 गुना आबादी, यूरोप की 1.5 गुना, सबसे बड़ी आबादी का देश, सबसे बड़े युवा शक्ति का देश और सबसे तेज गति से आर्थिक प्रगति करने वाला देश, आज ये छवि भारत की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व पटल पर बन चुकी है, और इसके पीछे कई स्तंभ हैं, कई नींव, कई योजनाएं हैं, कई संकल्प हैं, और उन नींवों पर, संकल्पों पर, योजनाओं पर थोड़ा प्रकाश में डालना चाहूंगा।
सरकार की पहला संकल्प कि गरीबों का उत्थान गरीबों के लिए सेफ्टी है। एक समय था हमारे देश में जहां केंद्र में बैठी हुई सरकार ये कहती थी कि अगर एक रुपया केंद्र से भेजा जाता है तो केवल 15 पैसे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। आज जो रूपरेखा प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाई गई, चाहे 50 करोड़ जनधन के अकाउंट की हम बात करें, चाहे यूपीआई की हम बात करें, उसके आधार पर जब केंद्र में दिल्ली में बटन दबाया जाता है तो वो राशि सीधे लाभार्थी के खाते में 100% पहुंचाया जाता है, बीच में कोई बिचौली नहीं। ये परिवर्तन आज सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता के आधार पर जैन योजना के खाते खोलने के आधार पर आज संभव हो पाए। कोविड के समय में पूरे विश्व में एक भय का माहौल था, ऐसी महामारी विश्व ने कभी पिछले 100 वर्षों में नहीं देखी। स्वाभाविक है हर देश ने अपने दीवार खड़ी कर दी, और वो भारत जो विश्व में झोली फैलाकर वैक्सीन की गुहार करता था, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्प में जब उन्होंने कहा विश्व के लिए चुनौती, पर भारत हर चुनौती को अवसर में परिवर्तित करेगा, और उस संकल्प के साथ जिस देश ने एक भी वैक्सीन की आविष्कार या उत्पादन नहीं हुई थी उसी देश में दो दो कोविड के वैक्सीन की आविष्कार और उत्पादन क्षमता की शुरुआत की, और ऐसा कोविड काल में वैक्सीनेशन का एक अभियान जो हम देश की बात छोड़ें विश्व ने न देखा। कोविड के समय में 220 करोड़ टीके लगे और हर व्यक्ति जिसे टीका लगा अमेरिका जैसे देश इंग्लैंड जैसे देश में कागज के पर्ची पे लिखा जाता था आपका नाम जिस दिन पे आप आए हैं और जिस दिन पे टीका लगा, पर भारत में कोविन एप्लीकेशन के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता के आधार पर हर व्यक्ति को एक डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किया। ये आसान बात नहीं है मेरे भाइयों, महामारी के समय में ऐसी क्षमता को उजागर करना किसी देश में, और आज वो कोविन की क्षमता विश्व के कई देश भारत से लेना चाहते। केवल भारत में 220 करोड़ टीकाकरण नहीं हुए, लेकिन जो देश विदेश से वैक्सीन की आयात करता था वही देश ने 100 देशों तक जो विचारधारा है हमारी संस्कृति की हमारी मूल्य की हमारी पुरानी इतिहास वासुदेव कुटुंबक उसी देश ने 100 देशों तक वैक्सीनों का निर्यात किया ताकि भारतीयों की तो जान बचाई लेकिन विश्व के 100 देशों के लोगों की जान बचाने में भी भारत का पूर्ण रूप से योगदान सदी में उस कालखंड में पूरे विश्व के घरेलू उत्पादन का दर का करीब 16% भाग होता था और वही 16% भाग से 2014 तक हम लोग 2.6% तक सिमट गए। पिछले 9 वर्षों में जो पुरानी एक प्रवृत्ति भारत के प्रति देखा जाता था कि तकनीक के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को पिछड़ा समझा जाता है,
उसी के साथ अगर हम देखें कि विकसित देशों के साथ भारत को एक शागिर्द के रूप में देखा जाता है और वही एक भ्रष्टाचार का आलम था और सरहद पर विदेशी ताकतों के समक्ष भारत कभी भी अग्रसर नहीं हो पाता। और आज अगर हम जो स्वरूप देखें पिछले 9 वर्षों का, पता है कि विश्वास नहीं होता है कि वही भारत जो परिवर्तन, आश्चर्यजनक परिवर्तन हम लोग ला पाए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो औपनिवेशक एक छवि होती थी भारत की, आज वो परिवर्तित होकर आत्मनिर्भर छवि बन चुकी है। और उस आत्मनिर्भर छवि के साथ साथ इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण हमने कल संसद भवन के लोकार्पण में देखा, जो भारत की प्रगति, भारत की विकास के प्रतिबिंब के रूप में आज खड़ा हो चुका है। संपूर्ण भारत का समावेश है उस इमारत जहां एक तरफ आधुनिकता को अपनाया गया है, वहीं प्राचीन संस्कृति, प्राचीन मूल्य, प्राचीन सिद्धांत, भारत के कोने कोने की क्षमता, एक एक राज्य की क्षमता अलौकिक रूप से उस इमारत में आज शामिल हो चुकी है। तो वो संसद भवन प्रजातंत्र की जननी के रूप में केवल नहीं, लेकिन हर एक एक भारतवासी की आत्मा, आशा और अभिलाषा की प्रतिबिंब आज बन चुकी है। तो एक परिवर्तन मेरे भाइयों बहनों आया है और आज वही भारत जो 11 नंबर पर था आर्थिक विकसित देशों के रूप में 2014 में, आज वही भारत 9 वर्षों में 5 नंबर पर आ चुका। और हमने किसको पीछे छोड़ा है? जिस देश की विचारधारा थी भारत के ऊपर राज करने, उस यूनाइटेड किंगडम को 6वीं जगह पर रखकर आज भारत 5वें नंबर पर आ चुका। और ये अंत नहीं है, ये तो महज शुरुआत है इस सफर की। और आपके द्वारा दर्शकों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि 2030 यही भारत तो 11 नंबर पर था जो आज 5 नंबर पर है, 2030 तक वही भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने वाली है। जापान और जर्मनी को आने वाले 7 सालों में हम पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गए। इन लोगों को भारत के प्राचीन भारत की ऐतिहासिक संस्कृति के प्रति सम्मान, ऐसे टिप्पणी वैसे लोगों की द्वारा ही की जाती है। भारत की क्षमता आज के विश्व पटल पर केवल आर्थिक रूप की क्षमता नहीं है, भारत की क्षमता एक आध्यात्मिक क्षमता भी है। जो विचारधारा प्रधानमंत्री जी की है, वासुदेव कुटुंबक की विचारधारा, वैक्सीन मैत्री पॉलिसी क्या है, वैक्सीन मैत्री पॉलिसी वही वासुदेव कुटुंबक का एक भाग है। जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात भारत करती है, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, वही वासुदेव कुटुंबक की सोच और विचारधारा के आधार पर सम्मिलित। जब G20 की अध्यक्षता, जो भारत के संपूर्ण इतिहास में एक नया इतिहास रचा गया है, भारत आज G20 की अध्यक्षता कर रही है, और जो पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किए जाते थे तो दिल्ली मुंबई तक सीमित थे, इस बार G20 की अध्यक्षता कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक,
एक एक राज्य में आयोजित की गई है। क्यों? क्योंकि भारत की जो असीम क्षमता है, केवल आर्थिक नहीं, पारंपरिक, सांस्कृतिक, उस इतिहास को, उस संस्कृति को प्रधानमंत्री जी विश्व पटल पर उजागर करना चाहते हैं। G20 की हम लोगों की क्या स्लोगन है? वन अर्थ, वन वर्ल्ड, वन पीपल, वन फैमिली।